पता करने की कोशिश करें। यस सर। तो मुमकिन है वीरेन के साथ चंदन विज मिला हुआ हो, एक को पैसों का लालच था और दूसरे को बदले का। बोले भी से बात हुई तुम्हें? हुई भी और नहीं। जी नहीं मैडम, मेरे पति तो बहुत भले इंसान है, मैंने ही समझ से रिश्ता रख के गलती की। आप चंदन पर शक मत कीजिए, बोलो। आप चंदन पे शक मत कीजिए। साफ पता चल रहा था कि पौलमी चंदन के दबाव में बात कर रही थी। तब समर के मर्डर में चंदन के हाथ होने के पूरे चांसेस हैं। वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। सच बता, समर पे दिलाए थे उसके पैसे पे? मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। ये गिफ्ट तुझे तेरे आशिक ने दिया था ना? जा पहन क्या, देख क्या रही है, जा। तुम्हें मालूम है मैं सच में ट्यूबलाइट हूँ। कॉलेज में जब इतने साल तक साथ में थे तो कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। काश हम दोनों ने तब ब्रेकअप नहीं किया होता। कितने खूबसूरत पल थे वो। तुम्हें पता है जब मैंने सालों बाद तुम्हें चंदन की शादी में देखा, चंदन की दुल्हन बने हुए, मेरे तो होश ही उड़ गए। दिल तो मेरा भी किया कि भाड़ में जाए ये समाज, सीधा मंडप छोड़कर तुम्हारी बाहों में चली आऊं। तो आ जाओ, अभी आ जाओ। सर वीरेन के फोन की एग्जैक्ट लोकेशन फिर से ट्रेस नहीं हो पाई है। वो फोन ऑन करता है और कुछ देर में स्विच ऑफ कर देता है। इस बार उसके फोन की लोकेशन क्या थी? जमशेदपुर। वहां की पुलिस को डिटेल्स भेज दी गई है। ये वीरेन खेल क्या खेल रहा है? हाँ, चिकूवाड़ी वाली जमीन हमारी थी लेकिन काफी समय से बेकार थी। अब हमें क्या पता वहां कौन क्या दफन कर रहा है। हाँ इंस्पेक्टर, हमें नहीं पता उन दोनों को वहां किसने दफनाया, लेकिन आप ही की जमीन में आपके बेटे समर को भी दफनाया गया। किसी के साथ आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं है? चिकूवाड़ी वाली जमीन को लेकर कोई ऐसी बात जुड़ी हो? ऐसा तो कुछ याद नहीं मुझे। वीरेन का फोन ऑन हुआ था, मुझे लगता है वो ठीक ही होगा। हमें भी यही लगता है, लेकिन हमें यह भी शक है कि वीरेन ने ही समर को मारा होगा। ये आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दादा आप समझाइए ना इनको कि वीरेन समर के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता है। दादा दादा आप भी वीरेन पर शक कर रहे हैं? एबू अगर वीरेन ने कुछ किया नहीं तो फिर वो गायब क्यों है, घर क्यों नहीं लौटा अभी तक? दीदी की बोल छो तुम्हें है, वीरेन घर नहीं आया तो खूनी हो गया। आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? अरे आपके सामने बड़ा हुआ है वीरेन, समर को सगे भाई से बढ़कर मानता है वो। समर और वीरेन एक साथ घर से बाहर गए थे, समर की लाश मिली है और तुम्हारा वीरेन जमशेदपुर में अभी भी घूम रहा है। क्यों क्यों भाग क्यों रहा है, घर वापस क्यों नहीं आता? चंदन भी तो नहीं आया ना, समर की मौत की खबर मिलने पर भी चंदन यहाँ पे नहीं आया। दुर्गा जबरदस्ती मेरे बेटे का नाम बदनाम मत करो, चंदन का ना आना कुछ साबित नहीं करता। समर ने जो किया उसके बाद चंदन का गुस्सा होना जायज है। वाह ललिता, इसी गुस्से में तुम्हारे चंदन ने मेरे समर को मार डाला। क्या बोल रही हैं आप, बिना सोचे समझे घटिया इल्जाम लगा रही हैं आप चंदन पर। चंदन ने कुछ नहीं किया, जरूर वीरेन ने किया होगा पैसों के लिए। इस घर में पैसों का लालची कौन है सब अच्छी तरह से जानते हैं। लालची किसे कह रहे? अरे इस घर में ना हम लोग ही है जो सब कुछ चुपचाप सहते हैं। आज तक वीरेन के बाबा विश्वजीत दादा के हुकुम पर चलते आए हैं। दुर्गा। क्या दुर्गा, और मैं आपके हुकुम मान के आ रही हूँ? हाँ, क्या हैसियत है हमारी इस घर में, वीरेन से ज्यादा वो बाहर के भास्कर को इज्जत मिलती है। कृतिका ये दोनों कपड़े हमें डेड बॉडीज पर से मिले, मैं जानती हूँ इन्हें। हाँ ठीक है।
पॉलोमी, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अंजलि आचार्य। तुमसे कुछ बात करनी है जो तुम चंदन के सामने तो नहीं कर सकते। पॉलोमी, हमें लगता है कि शायद समर के मर्डर में चंदन का हाथ है। लेकिन चंदन को तो हमारे बारे में अभी पता चला है। जो वो वीडियो मिला, जो वीडियो आपके पास है, उससे पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक से बात करता था। और तुम्हारी सास ललिता? मैडम, समर हमारे घर तभी आता था जब हमारी सास विश्वजीत काका के यहाँ होती थी, और उन्हें तो ठीक से मोबाइल से फोटो लेना भी नहीं आता। अच्छा पॉलोमी, तुम्हारे इस रिश्ते के बारे में किसी को मालूम था? नहीं मैडम, बल्कि समर ने तो हमें वादा किया था कि वो अपने किसी भी रिश्तेदार को हमारे बारे में भनक तक नहीं लगने देगा। हाँ, लेकिन उसका एक दोस्त उसके साथ कभी कभी आता था। देखो मैं किसको लेकर आया, मेरा जिगरी दोस्त भास्कर। नमस्कार पॉलोमी भाभी। नमस्कार। पॉलोमी से बात हुई, उसने बताया कि समर के साथ कभी कभी उसके घर पे भास्कर भी आता था। यस सर, आपको कैसे मालूम? भास्कर खुद आया था बताने। माफ कर दीजिए सर, मैंने आपको पॉलोमी के बारे में नहीं बताया। डर था कि विश्वजीत काका के घर में इस बात को लेकर आग लग जाएगी, और आखिर में वही हुआ। ज्यादा भोला मत बन। मिनी, क्या लगता है तुझे कि तू खुद से आया तो बच जाएगा? सीधे सीधे बोल, समर और पॉलोमी का सेक्स वीडियो क्यों बनाया तूने? सर क्या बात कर रहे हैं आप? ये नाटक मत कर, तेरे अलावा समर और पॉलोमी के बारे में और कोई जानता ही नहीं था। जानता था सर, वीरेन जानता था। कल तू और दादा कहाँ थे? कहीं नहीं है, बस यहाँ वहाँ घूम रहे थे। से चंदन की बीवी पॉलोमी काफी कमाल चीज है यार। वीरेन क्या बात कर रहे तू? हटक मत कर, सब पता मुझे। कैसे? समर ने? आज के टाइम पे किसी का फोन हाथ लग जाए ना तो सारा इतिहास सामने आ जाता है। सर मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब मैं जाता हूँ। ए! कहाँ जा रहे तू? मैंने कहा तो उसे जाने के लिए। बहुत होशियार समझ रहे अपने आप को। समर के साथ साथ हमें अमृता पॉल और उसके भांजे आनंद की लाश मिली है, जिससे तुम लोगों ने मूल के चिट फंड के नाम पर पैसे ऐंठे थे, और जब उसने अपने पैसे मांगे तब मार के दफना दिया। समर ने तो अमृता जी के पैसे उसी वक्त लौटा दिए थे जब उनसे मिलना ही थी। उसके बाद अमृता पॉल तो उसे मिलना ही थी। हाँ सर। क्या समर ने आपके पैसे नहीं दिए अभी तक? अपने ही पैसे हासिल करने के लिए मुझे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। काकी, मुझे वाकई नहीं पता था। भास्कर ये नाटक बंद कर, मुझे अच्छे से पता है तुम लोगों ने हमारे पैसे खाए हैं, ठीक है? मूल्य चिट फंड के नाम पर लालच देकर तुम लोगों ने सबको बेवकूफ बनाया है। थोड़ा धीरे यार, लोग सुन रहे हैं। शर्म आ रही है अब? मौसी को धोखा देने से पहले तुझे शर्म नहीं आई? ये मत समझना बाकियों की तरह डर के घबरा जाऊंगा। देखो आनंद, बाजार की हालत इस वक्त ऐसी है कि मूल्य चिटफंड अचानक बंद करना पड़ा, लेकिन मैं अमृता काकी के 15 लाख रुपए हर हालत में वापस लौटाऊंगा। बस मुझे एक हफ्ते का समय दे दो। ठीक है, मुझे मंजूर है। मासी, आप फिर से इस पर भरोसा कर रही हैं? आनंद, मुझे यकीन है कि इस बार ये अपना वादा निभाएगा। निभाएगा ना बेटा? बिल्कुल काकी, बिल्कुल निभाऊंगा। उसके बाद मैंने फिर से समर से बात की। ये देख, अमृता पाल का चेक रेडी है, वीरेन अभी जा रहा है पोस्ट करने के लिए। अब खुश? थैंक यू समर यार, थैंक यू। सर मुझे सच में लगा था कि अमृता काकी को उनके पैसे मिल गए हैं। अगर पैसे मिल गए होते तो अमृता पाल और आनंद की लाशें नहीं मिलती। अरे सर, मेरे सामने समर ने वीरेन को चेक दिया है। सर कहीं वीरेन ने तो कोई खेल नहीं खेला? जो कुछ भी गलत होता है सबका आरोप मेरे वीरेन के माथे पर। समर को वीरेन ने मारा, पॉलोमी और समर के बारे में वीरेन ने छुपाया, हद हो गया। हा? बस करो ये नाटक दुर्गा, मैं नहीं मानती कि वीरेन ने आप लोगों को कुछ नहीं बताया होगा। ललिता यकीन कर हमारा, हमें नहीं पता था। मैं नहीं मानती देबू, इस परिवार के किसी भी सदस्य पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। सब स्वार्थी है, सब लालची है। अब तो ये लगने लगा है कि समर के साथ साथ वीरेन का भी पॉलोमी के साथ। ललिता बहुत हो गया, अपनी जुबान पर काबू रखो। ये सही है, फिर चाहे आपका समर बेकाबू होकर कोई भी गुल खिलाए। ललिता जा यहां से, वरना। वरना क्या दादा, देबू की तरह डरती नहीं हूं मैं, मेरा भी हक है इस घर पे। तुझे ना मैं। दादा ये क्या कर रहे हैं आप? रिश्तों में दरारें बढ़ती जा रही थी, दिलों में कड़वाहट और मन में संदेह घर कर चुका था। आरोप प्रत्यारोप, तकरार और तनाव का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन नफरत की चिंगारी का आग बनना अभी बाकी था। वीरेन का फोन फिर से स्विच ऑन हुआ था, इस बार लोकेशन चेन्नई थी। चेन्नई? ये वीरेन का प्लान क्या है?
अगर इसे पैसे लेकर फरार होना था तो फिर ये जगह जगह भटक क्यों रहा है? कोई तो है जो इसकी मदद कर रहा है। सर, कहीं वीरेन अपनी जान बचाने के लिए तो नहीं भाग रहा है? समर के साथ जो हुआ, शायद उसे खुद के साथ होने का डर हो। रितिका कहाँ? चेन्नई में। ओके, थैंक यू। माँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तुम यहाँ क्यों आई? मुझे बुला लेती। वीरेन अभी चेन्नई में। कहीं भी जाए छोड़ूंगा नहीं उसको, मैंने वादा किया है तुमसे। मेरे लिए इतनी मुसीबत क्यों उठा रहे? जिंदगी भर साथ देने का वादा तो निभा नहीं सकता, लेकिन इस जंग में साथ देने का वादा जरूर निभाऊंगा। और वैसे भी ये काम मेरे मतलब का है। समर और वीरेन जैसे लालची लुटेरे दीमक हैं समाज के, उनके मूल्य चिटफंड की वजह से लाखों लोगों के घर बर्बाद हुए हैं। वीरेन के अलावा मूल्य चिटफंड से जुड़ा एक और इंसान जो अभी यहीं है, भास्कर दास। चंदन, दुर्गा तुम्हारा नाम ले रही थी वीरेन को बचाने के लिए, और सुलेखा भाभी ने भी तुम्हारा ही नाम लिया। सबको तो यही लगता है कि समर के साथ तुमने कुछ। तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? सॉरी माँ, आप कुछ कह रहे थे। मुझे एक बात बताओ चंदन, क्या तुम्हें सच में पता नहीं था समर और पॉलोमी के बारे में? तुम्हारे बेडरूम में घुस के ऐसे कौन वीडियो बना सकता है? सब लोग वीरेन पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। आपको तो बहुत भरोसा था ना विश्वजीत दादा पर, क्या हुआ? मुझे तो डर है कि अगर वीरेन वापस भी आ जाएगा ना, तो ये लोग समर का खूनी साबित करके ही रहेंगे। हेलो, मुझे तुमसे मिलना है, जल्द से जल्द। विश्वजीत काका के घर में कभी एकदम से खामोशी छा जाती है, कभी अचानक से कोहराम। कौन सही है कौन गलत कुछ समझ नहीं आता। सही गलत ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, अपने अपने नजरिए की बात। दुर्योधन के लिए उसका रास्ता सही था और अर्जुन के लिए उसका। एक तरफ विश्वजीत सान्याल ने भारी मन से अपने बेटे समर की चिता को अग्नि दी, और वहीं दूसरी तरफ अमृता और आनंद के बचे अवशेषों को भी रितिका ने अग्नि दी। चिता की लपटें अब तक शांत नहीं हुई थी, लेकिन आने वाले समय में सान्याल परिवार में लगी नफरत की आग जोरों से दहकने वाली थी। हाँ, मैं सब लेकर आ रहा हूं। क्या, किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की? क्या हुआ? बंदूक, बंदूक लेके कहाँ जा रहे हो? ये भगवान। बेटा ड्रम सीधा एक लाइन में, एक इंच भी धर नहीं। रघु, कल इस रस्सी की जगह पूरी फेंसिंग पक्की, और इस तरह इस जमीन पर अधिकारी बिल्डर्स का बोर्ड बड़ा वाला, ठीक है? कुंदन, ये सब क्या है? अरे आप विश्वजीत दा, बधाई हो, पड़ोसी हो गए अब हम दोनों। मेरी जमीन पर पैर रखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? राजमुखी की जमीन का सौदा हुआ था, इस जमीन का नहीं, ये मेरी जमीन है। तो आपकी जमीन पे कहाँ खड़ा हूँ मैं? आपकी जमीन फेंसिंग के उस तरफ है। हम इस समय जिस जमीन पे खड़े हैं, ये आपके छोटे भाई देवाशीष की थी जो उसने अब मुझे बेच दी। कार कहीं के मुझसे पूछे बिना एक शब्द नहीं बोलता था, और आज मुझसे पूछे बिना मेरी जमीन बेच दी। अपने हिस्से की बेची है दादा, मकार मैं नहीं हूं, आप हैं और आपका बेटा समर था। देवो, सच कह रहा हूं दादा, समर ने मूल्य चिटफंड कंपनी में कितने लोगों को चूना लगाया क्या मैं नहीं जानता? और आप तो उससे भी बड़े मक्कार हैं। समर ने ऐसे लोगों को ठगा जो अनजान थे, जिनको वो जानता नहीं था, लेकिन आपने तो। बोल शंभू, कुछ पता चला क्या? साहब, मैंने शांतनु को देखा, लेकिन हाथ से निकल गया। ऐसे कैसे हाथ से निकल गया शंभू? पक्का वही था? साहब 100% बोल रहा है शांतनु ही था। ए, रुक, 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 रुक।
उसने शांतनु को एक चाय की दुकान पर देखा था, मगर वो हाथ से निकल गई। शांतनु के लिए रेड अलर्ट जारी करो, किसी भी हाल में शांतनु में यह आ जाए। और वालीग्राम पुलिस से कहो कि वो रितिका पर कड़ी नजर रखे। राइट सर। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, वीरेन की लास्ट लोकेशन तो चेन्नई थी, फिर ये शांतनु यहाँ क्या कर रहा है? जहां तक हमारा अंदाजा है वो रितिका के लिए मूल्य चिटफंड से जुड़े सभी लोगों से बदला लेना चाहता है। भास्कर, वीरेन का फोन फिर से स्विच ऑन हुआ है। इस बार क्या है लोकेशन? अमेरिका। हेलो, क्या इस बार वीरेन ने फोन पे बात भी की? किससे? अपने बाप देवाशीष से? नो सर, अपने कजन ब्रदर चंदन बागची से। विश्वजीत दादा, दादा वो पुलिस मेरे चंदन को पकड़ कर ले गई है, दादा कुछ कीजिए, रोकिए उन्हें। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वीरेन का कोई कॉल नहीं आया था मेरे पास। कॉल रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलते हैं चंदन। कल शाम 5:35 में तुमने वीरेन से बात की है। कल शाम 5:30 वहाँ एक फोन तो आया था, लेकिन वो रॉन्ग नंबर था। हेलो। हेलो, कैसे हो? मैं बढ़िया, तू क्या कर रही है? चल जा। हाँ बोल। मैम कोई मजाक कर रहा था, वो रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर पे तुम 1.5 मिनट तक बातें करते रहे। पॉलमी, तुम मैडम को बताओ कोई वीरेन से बात हुई मेरी? मैं क्या बोलूं, जब आपको कॉल आया तब आपने मुझे वहां से जाने के लिए कह दिया। दादा पुलिस से बात। तूने कहा था ना, सबका अपना स्वार्थ अपना लालच है। सही कहा था। मैडम नहीं, नहीं। आ, आ। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि वीरेन ने ही चंदन को बताया होगा समर और पॉलोमी के अफेयर के बारे में, और फिर शायद दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। हम इस चंदन के मुंह से सच उगलवा कर ही रहेंगे सर। मैं यहां चंदन को छुड़ाने नहीं आया हूं। अगर समर के कत्ल में चंदन भी शामिल है तो उसे सजा होनी ही चाहिए, पर मुझे लगता है कि यह काम चंदन अकेला नहीं कर सकता। हमें भी यही लगता है, वीरेन और चंदन ने मिलकर यह प्लान बनाया होगा। वीरेन तो मेरे समर की दुम था, अपना दिमाग कहां था उसमें? इस तरह बार बार जगह बदलना, कभी कोलकाता कभी चेन्नई पहुंच जाना, मेरी जमीन में समर की लाश को दफनाना, यह सब किसी बड़े प्लान का हिस्सा लगता है। यह एक ही आदमी कर सकता है। कौन? चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपका काम हो जाएगा देवाशीष से। अधिकारी जी, मैंने अपने बड़े भाई को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है, उम्मीद है आप अपनी बात को रखेंगे। दुर्गा चिंता मत करो, वीरेन को कुछ नहीं होगा। ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वीरेन कहाँ है, ये बात आपके भाई देवाशीष को पता है? जरा सोचिए, जिस बाप का बेटा इतने दिनों से गायब हो, जिस पर पैसे चुराने का अपने ही भाई के खून का शक हो, वो जमीन के सौदे करता क्यों फिरेगा? कौन सी जमीन? हाईवे के पास हमारी एक जमीन है, देवाशीष ने उसका आधा हिस्सा बाहुबली कुंदन अधिकारी को रातों रात बेच दिया। इन सभी सवालों के जवाब ये दे। दुर्गा काके आई थी तो बहुत परेशान है, आपने देवाशीष काका को पकड़ा है? अरे वाह, बड़ी चिंता है भास्कर तुझे, विश्वजीत सान्याल के परिवार की। जी सर, वो परिवार मेरे अपने परिवार जैसे हैं। और तुम्हारे विश्वजीत काका तुम्हें अपने बेटे समान मानते, काफी इज्जत करते हैं तुम्हारी, है ना? जी मैडम, लेकिन आप लोग ये क्यों पूछ रहे हैं? तेरी माँ भगवत गीता पढ़ती है ना? जी। तब तो तुझे ये पता होगा कि महाभारत क्यों हुई थी, जब अपनों ने अपनों का हक लालच की वजह से छीना था तब हुई थी महाभारत। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, लेकिन अगर दुर्योधन पांडवों को वो 5 गांव दे देता ना, शायद महाभारत नहीं होती। और अगर विश्वजीत सान्याल तुझे चीकूवाड़ी वाली जमीन दे देता तो समर भी नहीं मरता। भास्कर के साथ क्या नाइंसाफी की थी विश्वजीत जी ने?
मूल्य चिटफंड एक धोखा था जिसमें लोगों का पैसा कहीं पर निवेश नहीं हुआ था। ये सारा प्लान समर का था। मेरा बेटा हमेशा की तरह समर के पीछे खड़ा था। समर का पार्टनर था भास्कर। बाबा, मूल्य चिटफंड में अभी तक 90 लाख रुपए इकट्ठा हुए हैं, जिसके दो हिस्से होंगे, 60 लाख मेरे और 30 लाख भास्कर के। वाह, तू तो लखपति बन गया हैं? तो लखपति भास्कर, कुछ सोचा है? सोचा तो है, लेकिन पता नहीं कैसे बोलूं आपसे। अरे मुंह से बोल पगले, और कैसे। वो आपकी चीकूवाड़ी वाली जमीन है ना, अगर इन पैसों के बदले आप मुझे वो दे देते तो। चीकूवाड़ी वाली जमीन? अरे लखपति भास्कर क्या करेगा उस जमीन का? आपका आशीर्वाद रहा तो कुछ बड़ा करूंगा। समर बेटा जी, चीकूवाड़ी वाली जमीन की क्या कीमत है आज की तारीख में? 35 लाख के करीब होगी। 35 लाख? तेरे पास तो सिर्फ 30 लाख है भास्कर। अरे बेटे जैसा है तू, जा दे दी 30 में तुझे जमीन। शुक्रिया का। अपने हिस्से के सारे पैसे भास्कर ने दादा को दे दिए। कहने के लिए जमीन भास्कर की थी, पर जब सच सामने आया तो वाकई में भास्कर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मधु, मधु, ये जमीन अब हमारी है। मुझे अब उस गराज में जाके मजदूरी करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे अच्छे दिन आने वाले मधु, अच्छे दिन। ओए, कौन है भाई तू, और इधर क्या कर रहा है? मधु, तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है? चल जा इधर से। भाई साहब, ये जमीन मेरी है, कहाँ जाऊँ मैं? बोल दिया ना, ये जमीन तेरी नहीं, भरमन बिल्डर्स की है। चल भाग यहाँ से, मरना है क्या? ये उम्र हो गई है ना भास्कर, हैं? मैं तो भूल ही गया, वो जमीन तो मैंने बेच दी थी शायद बर्मन बिल्डर्स को। अच्छा, जमीन ने सही, मेरे पैसे तो दे दीजिए। देख भास्कर, पैसे तो चले गए, किसी और काम में डाल दिए, ये ले। पर काका, अब मेरा क्या होगा? आपके पास तो इतनी सारी जमीन है, उसमें से कोई सी भी एक दे दीजिए ना। ठीक है ठीक है, तू थोड़ा रुक, मैं कुछ करता हूँ। हे भगवान, कड़े कड़े पैर दुख गए, थोड़ा पैर दबा दे। ठीक है। कई महीने हो चुके हैं इस बात को, आज तक जमीन नहीं मिली है भास्कर को। जब दादा मुझसे, अपने सगे भाई से सरपंच बनाने का वादा करके पलट सकते हैं, तो फिर भास्कर क्या चीज है? भास्कर क्या चीज है? तू इतना बड़ा धोखा हुआ तेरे साथ, पर तेरा दिल नहीं दुखा? हुआ ना साहब, बहुत दुख हुआ, लेकिन मुझे नहीं, अमर को, क्योंकि विश्वजीत काका ने मुझसे नहीं, अपने बेटे से धोखा किया। तू बाबा से चीकूवाड़ी की जमीन खरीदी, फिर जमीन की असली कीमत है 50 लाख, लेकिन मैंने बाबा को बताई है 35 लाख। तू तो जानता है, बाबा और काका ने जमीन का सारा काम मेरे और वीरेन के ऊपर छोड़ा है, और वीरेन तो गधा है। तू बाबा से 30 लाख रुपए में जमीन खरीद और हम उसको 50 लाख में बेचेंगे, 20 लाख का मुनाफा, 10 लाख तेरे, 10 लाख मेरे। अमर के लालच ने उसे अपने बाप से मक्कारी करवानी थी, लेकिन विश्वजीत काका ने सब चौपट कर दिया। सर, मुझे तो लगता है कि विश्वजीत काका को भनक लग गई थी समर के इरादों की। यानी तेरा नुकसान नहीं हुआ? नहीं, उल्टा मुझे तो सबक मिला कि पैसे से अपने पराये होते हैं। पर साहब, अच्छी बात है कि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं। क्यों, चिटफंड से तूने पैसे नहीं कमाए? देवाशीष का कहना है कि तूने 30 लाख रुपए कमाए। देवू काका की बातों में आओगे तो धोखा खाएंगे साहब। उनको तो अपने बेटे वीरेन को बचाने के लिए कोई ना कोई बकरा चाहिए। वो बकरा तू है साहब। मैं बकरा नहीं, मैं गधा हूँ, जो दुर्गा काकी के कहने पर देवू काका के लिए यहाँ आ गया। साहब, मुझे तो लगता है कि ये लोग मेरे दोस्त के कत्ल के इल्जाम में मुझे ही हलाल करके छोड़ेंगे। मेरे लड़के बहुत जल्द वीरेन तक पहुंच जाएंगे, आप चिंता मत करो। जब वीरेन मिले तो उससे कहिएगा सुखीगंज वापस लौटा है, उसे कुछ नहीं होगा। पुलिस की कार्रवाई अलग दिशा में मुड़ चुकी है। सर एक मिनट। वीरेन के फोन की लोकेशन ट्रेस हो गई सर, वो यहाँ सुखीनगर में ही वापस आया हुआ है, किसी लॉज में, और अभी उसका फोन ऑन है। तब ये वीरेन मुझे आज ही चाहिए, तुरंत एक टीम लेकर निकलो, क्विक। सर, वीरेन सुखीगंज में, मैं तुम्हें पता मैसेज कर रही हूँ।
पुलिस से पहले तुम्हें उस तक पहुंचना होगा। तुम एड्रेस भेजो बस, बाकी सब मेरे पर छोड़ दो। हाँ, मुझे अभी थोड़ा वक्त लगेगा, मैं पुलिस स्टेशन में ही। आप ठीक हैं? हाँ, मुझे क्या होगा, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। गलत की संगति में रहना भी गलत है। अब छोड़ दीजिए सानियल परिवार की सेवा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। देवाशीष झूठ बोल रहा है। मूल्या चिटफंड का आइडिया वीरेन का था। समर का सिर्फ नाम इस्तेमाल हुआ था और बाकी जो भी पैसा वैसा आया वो वीरेन और भास्कर में बंटता था। देवाशीष बोल रहा है कि मूल्य चिटफंड का सारा पैसा समर और भास्कर के बीच बटा, उसका बेटा वीरेन दूध का धुला हुआ। विश्वजीत कहता है कि सारा पैसा वीरेन और भास्कर के बीच बटा, समर का सिर्फ नाम इस्तेमाल हुआ, और भास्कर बोल रहा है कि सारा पैसा समर और वीरेन के बीच बटा। यस सर, यहाँ सबके लिए दूसरे लालची और वो खुद निर्दोष। भास्कर के साथ जो चीकूवाड़ी वाली जमीन का धोखा हुआ उसके बारे में विश्वजीत से पूछा तुमने? हमने सुना है धोखा तो आपने भी किया था अपने बेटे समान भास्कर के साथ। पैसे ले लिए लेकिन उसे चीकूवाड़ी वाली जमीन नहीं दी। हाँ मैंने ऐसा किया था। भास्कर हमारे घर में घुल मिल गया था, समर के साथ घूमता फिरता था, वहां तक ठीक था, लेकिन वो हमसे बराबरी करने की कैसे सोच सकता था? पर जमीन खरीदने का प्लान तो समर का था, भास्कर का तो सिर्फ चेहरा था इस डील पर। नहीं, पैसों के लालच में मेरा बेटा मुझे धोखा नहीं देगा। लालच का चश्मा पहनने के बाद रिश्ते नहीं दिखाई देते, चाहे वो भाई हो या बाप बेटे। हम लोग लॉज पहुंच चुके हैं। ये वीरेन किसी भी हालत में हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। इसे पकड़ने के बाद तुरंत फोन करो मुझे। जी सर। वीरेन हमें पता है तुम अंदर हो, दरवाजा खोल दो, तुम बच नहीं पाओगे। पहले इसको हाँ, क्या हुआ? मेरे से पहले वीरेन तक पुलिस पहुंच गई। मिला वीरेन, बताया उसने क्यों मारा मेरे बेटे को? क्या क्या हुआ? वीरेन मिला? कौन था? क्या कह रहा था? बताते क्यों नहीं? वीरेन नहीं मिला तो किसे पकड़ा है आपने? मेरा वीरेन कहाँ है? देखिए सब्र रखिए, सब पता चल जाएगा, पूछताछ चल रही है। बोल, देश भ्रमण करने के लिए क्यों निकला था? बोल। साहब, मेरा नाम दिवाकर है साहब, मैं मैकेनिक हूँ। तो वीरेन का फोन लेकर देश भर में क्यों घूम रहा था? प्लान क्या था? साहब मुझे 5 लाख रुपए, ये सोने का ब्रेसलेट और मोबाइल दिया गया था, पूरा देश घूमने के लिए कहा गया था साहब। किसने कहा था? ये ब्रेसलेट आज से 13, और ये फोन भी रख, जैसा बताया था ना तेरे को बिल्कुल वैसा ही घूमूंगा। हाँ ठीक, और थोड़ी देर के लिए इस फोन को ऑन करना, और अगर मुझसे बात करनी है ना तो अपने फोन से करना। ठीक। समर, वीरेन और मैं, हम तीनों मूल्य चिटफंड में बराबर के हिस्सेदार थे। मूल्य चिटफंड एक ही नींव पे खड़ा था, लालच पैसों की, और इरादा था लोगों के पैसे ऐंठना। मूल्य चिटफंड की कहानी देवाशीष, विश्वजीत, तूने जो सुनाई सब झूठी थी। तुम सबके सब मिले हुए थे, तुम सबने मिलकर गरीबों का पैसा लूटा। हाँ, जमीन का धोखा किसने किसे दिया था? विश्वजीत सान्याल ने, उसने मुझे धोखा दिया था। वाह वाह भास्कर, क्या पैर दबाता है तू, तुझे तो मालिश की दुकान खोलनी चाहिए। काका, 1 महीना गुजर गया है, अभी तक आपने मुझे वो जमीन नहीं दी। अरे चट, मुझसे वसूली करता है, हैं? तुझसे उधार लिया क्या मैंने? काका, मैंने पैसे दिए। वो पैसे भी मेरे बेटे से कमाए हैं तूने, वरना तेरी औकात थी 30 लाख कमाने की? हाँ समर,
तुझसे कहा था मैंने बड़े कामों में छोटे लोगों को शामिल मत कर, देख लिया क्या? रे भास्कर, बार बार जमीन जमीन पूछ कर क्यों दादा का मूड खराब कर रहा है तू? समर, तू तो कुछ बोलना। भास्कर अब तू बस कर, तू जैसे लोग ना इस घर में झाड़ू लगाते हैं, मेरी वजह से सबने तुझे इतना प्यार दिया और तू बाबा से वसूली कर रहा है, मन करता तुझे ए, छोड़, छोड़, छोड़ समर, छोड़ यार। तो जमीन हाथ से गई, ऊपर से बेइज्जती हुई वो अलग, दूसरी तरफ से वो अमृता काकी और उनका वो भांजा आनंद, वो मेरे घर आदम के पैसे लेने के लिए। मूल्य चिट फंड के नाम पर लालच देकर तुम लोगों ने सबको बेवकूफ बनाया है, ये मत समझना बाकियों की तरह डर के घबरा जाऊंगा। मैंने समर से सच में कहा था कि कम से कम अमृता काकी से पीछा छुड़ाने में मेरी मदद करे। अमर, ये अमृता पाल को कुछ करना पड़ेगा, इसका भांजा आनंद धमकी दे रहा है, मिलकर कुछ करते हैं यार, नहीं तो सब फंस जाएंगे हम। नहीं बेटा, तू याद है ना मूल्य चिट फंड का बलिग्राम वाला ऑफिस तेरे नाम है। ये क्या बोल रहा है यार, हम लोग तो पार्टनर है ना, सिर्फ मुनाफे में, नुकसान में नहीं, समझा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं दुनिया में सबसे हारा हुआ, सबसे छोटा और सबसे कमजोर इंसान महसूस कर रहा था। भास्कर ध्यान रखना, कोई घर की तरफ आए तो फोन करना, चल निकल 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 निकल। समर ये तो गलत है ना, मेरी जमीन भी छिन गई और वो अमृता काकी का भांजा वो भी मुझे ही धमका रहा है, कैसा दोस्त है यार तू, तो मेरी कोई मदद ही नहीं कर रहा है। मैं तेरी हर गलती को छुपाता हूँ, यहाँ तक कि जब तू चंदन की बहुत बोल लिया तू, मेरे बैग छोड़, पकड़ इसको। साले आज के बाद पॉलमी का नाम लिया ना तो जान से मार दूंगा तुझको। भास्कर ये चोट क्या हुआ, किसी से लड़ाई हुई, कैसे लगी हुई है? हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ है, बाइक से फिसल गया था, मैं ठीक हूँ। मैं नहीं चाहता था कि जो जिल्लत मुझे मिली है उसके बारे में मेरे परिवार को पता चले, पर उसी दिन मैंने ठान लिया था कि अब अपनी सारी मुश्किलों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, इसीलिए चुपचाप पहले की तरह सानियल परिवार के घर काम करने लगा। सॉरी, समर से फिर से दोस्ती की और अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पालता रहा। इस दौरान वो आनंद और अमृता पाल मुझे फोन कर रहे थे, आनंद मुझे पुलिस में जाने की धमकी दे रहा था, इससे पहले वो कोई कदम उठाता मुझे ही कुछ करना था, उन दोनों से छुटकारा चाहिए था। मासी, यही आने के लिए कहा था ना? हाँ बेटा, कहा तो यही था तालाब के पास। उसके बाद मैंने उन दोनों को उसी जमीन में दफन कर दिया जहां पर मेरे अरमान दफन हुए थे, फिर मैं मौका ताकता रहा कि कब सही मौका मिले और मैं सान्याल परिवार पे कहर बन के टूट पड़ूं। जब कुंदन अधिकारी की 40 लाख की डील वाली बात हुई तब मैंने समर और वीरेन को चीकुवाड़ी बुलाया। समर और वीरेन खुद अपनी मौत के पास चलकर आए थे। यार ये भास्कर साला इतनी देर से हमें यहाँ खड़ा करके खुद काम लिया यार। समर की आंखें बाहर आ गई थी, उसे बहुत बड़ा शौक लगा था। शौक तो लग रही था क्योंकि इस महाभारत में दुर्योधन ने कर्ण से जो धोखा खाया था और दुशासन के भी, समर को मारने में वीरेन भी तेरे साथ शामिल था। सर मैंने आपको कहा था ना वीरेन बहुत लालची है, डर और लालच में डूबे हुए इंसान को बरगलाना बहुत आसान है। तू सही कह रहा है यार, मुझे ये डर है कि मैं अपने बाप की तरह कहीं अपने बड़े भाई का गुलाम बन के ना रह जाऊं। इसलिए कह रहा हूं सोच, तुझे राजा बनना है या प्रजा? देख इतिहास गवाह है, गद्दी उसी को मिलती है जिसने अपनों का खून बहाया है। पर यार मैं खून नहीं करूंगा। तुझे सिर्फ मेरा साथ देना है, तो बस समर को वहां पर लेकर आ, बाकी काम मेरा। उसके बाद तुझे सिर्फ घायल होने का नाटक करना है और कुछ नहीं। समर के जाने के बाद तू अकेला बचेगा, अकेला वारिस, उसके ऊपर से 20-20 लाख का फायदा लग। अरे कहाँ मिला ऐसा ऑफर किसी को? मुझे मेरा बदला मिलेगा और तुझे तेरी गद्दी। सोच कर रहा है? तूने सही कहा था वीरेन, लालच बुरी बला नहीं कला है। मैंने जानबूझ के समर की लाश को अमृता पाल और आनंद की लाश के पास दफना दिया और वीरेन की लाश को दूर जाके दफनाया है ताकि समर के कत्ल का शक वीरेन पे आ जाए। इतनी कहानी है, इतनी प्लानिंग,
फिर भी पकड़ा गया ना तो? मुझे कोई अफसोस नहीं है, मेरा बदला पूरा हुआ। सान्याल परिवार बर्बाद हो गया, समर और वीरेन तो रहे नहीं, और वैसे भी आज नहीं तो कल वो एक दूसरे को मार ही डालते। लालची है ना अपने बाप की तरह। और फिर महाभारत में आखिर में कर्ण को तो मरना ही पड़ता है ना। तू भी उन दोनों जितना ही धोखेबाज और लालची है। लालच में आकर तूने भी गरीबों का पैसा हड़पा है। अमृता पाल ने जब तुझसे अपना पैसा मांगा तो तूने अमृता पाल और उसके भांजे को बुलाकर धोखे से मार डाला। अपने आप को कर्ण समझने की भूल मत कर, क्योंकि इस महाभारत में सबके सब दुर्योधन थे। अब क्या करेंगे इतनी जमीन और इस दौलत का दादा? जिन लोगों के लिए जुटाया था वही नहीं रहे। बद्दुआ लगी है हमें दादा, बद्दुआ। लोगों को लालच देकर लूटते रहे और आज उसी लालच ने लूटकर हम सबको कंगाल कर दिया। लालच की बिसात पर जो महाभारत लड़ी गई उसमें आखिर में किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। रितिका और उसकी मां को जिंदगी भर ये दुख रहेगा कि दूसरों के लालच की वजह से उनके अपने जान गंवा बैठे। और वहीं दूसरी ओर भास्कर का परिवार इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है कि लालच के प्रभाव में भास्कर ने चार लोगों की हत्या कर दी। भास्कर दास पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए गए हैं। भास्कर का मुकदमा फिलहाल अदालत में चल रहा है। दूसरों को बेवकूफ बनाकर उनकी धनराशि खुद रख लेने से कोई धनी नहीं सिर्फ अपराधी बनता है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि कामयाबी की मंजिल का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। इंसान अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है लेकिन लालच की फितरत है अधूरा रहना। धन लाभ चिटफंड, मूल्य चिटफंड, इन सभी स्कीम्स में लोगों को जो बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए थे, वादे किए गए थे, वो वास्तविक नहीं थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने पैसे को तेजी से दुगना और चौगुना करने की होड़ ने सबकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था और असल हकीकत किसी को नजर नहीं आई। हमारे साथ ऐसा ना हो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करते समय पूरी तरह से सतर्कता बरतें और कल होने वाले बड़े मुनाफे के लालच में अपना वर्तमान, अपना सुख चैन दांव पर ना लगाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात कौन बनेगा करोड़पति के करमवीर एपिसोड के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।